हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लास की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक ऑप्शन स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ के लिए, अक्टूबर सीरीज के लिए। सो चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे चार्ट पर। आप देख सकते हो आज मैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके बताऊंगा कि उसको कैसे हम डिप्लॉय करेंगे और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं, जो निफ्टी का हैवी वेट है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पे आ चुके हैं। ये इसका एक डेली चार्ट है, डेली कैंडल का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस काफ़ी दिनों से ना एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रैवल कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर सो ये एक लेवल हो गया अपसाइड का और ये एक लेवल हो गया डाउन साइड का, ठीक है। सो ऑन अपसाइड आप देखिए नियर अबाउट पिछले कई महीनों से, मतलब एक दो बार ही ये ऊपर गया हुआ है, मतलब 2700 को ब्रिज करके 2800 के आसपास उसने कुछ हाई बनाया था, 2860 के आसपास। सो दो बार वो अपसाइड में गया, लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो पिछले मतलब अप्रैल से लेके अभी तक मार्केट उसी रेंज में, और लोअर लेवल में उसका जो लेवल आ रहा है वो है 2350 के आसपास का, एंड अपसाइड का लेवल आ रहा है 2700 के आसपास। और अभी भी देखिए आप सेंटर में ही हुआ रुका हुआ है 2500 के आसपास। तो अभी हम नेक्स्ट मंथ के लिए ऐसा एक साइडवेज का व्यूज़ लेके और हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे जिसमें हमारी रेंज रहेगी वो 2350 से लेके और 2700 के बीच का हमारा जो लेवल रहे ब्रेक इवन है, वो ऐसे हम इस ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे रिलायंस का अपने स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे और देखते हैं कि क्या हम स्ट्रेटजी को बिल्डअप करते हैं। सो हम आ चुके हैं अभी ऑप्स्ट्रा पर। देखिए मैंने यहाँ पर रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब अक्टूबर सीरीज़ के लिए हमें डिप्लॉय करना है। सो हम अक्टूबर को सिलेक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर 27 अक्टूबर की एक्सपायरी ले ली, क्योंकि अभी 29 सितंबर में ओनली 10 दिन ही बचे हुए हैं एक्सपायरी में, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। सो अभी जो स्पॉट चल रहा है आप देखिए यहाँ पर स्पॉट है नियर अबाउट 2500 का, एंड फ्यूचर है 2520 पे। तो हम स्पॉट को कंसिडर कर लेते हैं 2500 से के, तो 2500 का जो पुट है अक्टूबर सीरीज़ का जो 95 पे ट्रेड कर रहा है, उसको हम एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया है, बेसिकली 2500 के पुट को सेल कर दिया है वन लॉट, ठीक है, जिसमें हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है नियर अबाउट 23,000 का, ठीक है। अब हम चलेंगे नवंबर की सीरीज़ में, मतलब नवंबर की मंथली सीरीज़ 24 नवंबर को, और 2500 का जो प्रीमियम है पुट है उसको हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे जो ट्रेड हो रहा है 114 पे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड कुछ ऐसे बनकर रेडी है। बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, हमने जो अक्टूबर की सीरीज़ है उसमें 2500 का पुट है उसको शॉर्ट किया हुआ है, एंड जो नवंबर की सीरीज़ है उसमें 2500 का जो पुट है उसको हमने लॉन्ग किया हुआ है, मतलब उसको बाय किया हुआ है। तो अभी हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो देखिए नियर अबाउट 51 से 52% की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें इसमें शो हो रहा है वो है नियर अबाउट 15,000 का, एंड जो लॉस शो हो रहा है वो है नियर अबाउट 6,500 का। जो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल रहा है इस ट्रेड में वो है नियर अबाउट 1:2.36 का, ठीक है। और जो मेन बात है वो है ब्रेक इवन। देखिए आप 2340 से लेकर 2700 तक, मतलब आप देखिए हमने जो बात कही थी यहाँ पर, ये जो लेवल है 2340, मतलब हमारा यहाँ कहीं पर ब्रेक इवन आ रहा है और यहाँ पर 2700 का ब्रेक इवन है, तो ये पूरी रेंज को हम ट्रेड हमारा कवर कर रहा है, ठीक है, जो हमने डिप्लॉय किया है। और दूसरी बात क्या है, जो मार्जिन यूज़ हो रहा है वो है नियर अबाउट 25 से 30,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अब इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अगर मान लीजिए कि आने वाले 10-15 दिन भी ये कहीं भी ऐसे ही ट्रैवल करता रहता है, मतलब 2400 से लेके 2700 के बीच में कहीं भी ट्रैवल करता रहता है रिलायंस, सो आपको अगर इसमें 4-5% का रिटर्न देखने को मिलता है तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि मंथली बेसिस पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो है 5% का टारगेट रहेगा इसमें दिखाने के लिए, तो ये तो 60% का टारगेट दिखा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये कैलेंडर है, ठीक है। सो कैलेंडर में क्या होता है ना कि जो ब्रेक इवन है और जो ये प्रॉफिट है लॉस है एंड जो ब्रेक इवन है वो वेरी होते रहते हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ेगा
लेकिन जो आप बड़ी रेंज देखोगे तो आपको नियर अबाउट 2350 से लेकर 2700 की आपको एक रेंज मिल रही है, जिसमें अगर रिलायंस आने वाले 10-15 दिन भी ट्रेड करता रहता है तो आराम से आपको इसमें 3,000-5,000 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और ये एक लो रिस्क स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करेगा तब तक आपका कोई लॉस नहीं है, और दूसरी बात जो लॉस है वो भी लिमिटेड है, मतलब 6,500-7,000 का ही लॉस है। दूसरी बात, इस ट्रेड को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो व्यूवर्स है जो हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं, उनको पता होगा कि हम कैलेंडर स्प्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, जो हमारी निफ्टी है या बैंक निफ्टी में है। तो आप इसमें भी वो तरीके से इसको मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, और इसमें जो मैनेज करने के लिए एडिशनल जो आपको कैपिटल चाहिए वो भी नियर अबाउट 35,000 का कैपिटल चाहिए। सो टोटल जो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी वो है 70,000 की, ठीक है। अब 70,000 के कैपिटल पे अगर 5% का आप मंथली टारगेट लेके चलते हो तो जो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है वो है 3,500। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे 3,500 रुपये आपको देखने को मिलते हैं तो आप इस ट्रेड में से आराम से एग्जिट कर सकते हो, और उसके अलावा आपको अगर उसमें होल्ड करना है तो फिर वो आपकी खुद का डिसीजन रहेगा, ठीक है। और जो रिस्क है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो इस ट्रेड में, और एक अच्छी खासी वाइड रेंज आपको इस ट्रेड में मिल रही है। और रिलायंस एक हैवी वेट है तो उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि जो छोटी मोटी कंपनियां रहती है तो उसमें क्या ऑपरेटर वो अपना गेम खेल देते हैं और स्टॉक को ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन रिलायंस एक हैवी वेट है और निफ्टी 50 का। सो आप उसकी जो मूवमेंट है आप देखिए, पिछले 2-3 महीने से वो उसी हिसाब से आप इस रेंज में बना हुआ है। आप देखिए यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। हो सकता है फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसी रेंज में आने वाले एक महीने में 10-15 दिन भी बना रहा तो आपको आराम से इसमें 5-7% का प्रॉफिट मिल जाएगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था रिलायंस का नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा ट्रेड डिप्लॉय किया हुआ, तो आप इसको मंडे को डिप्लॉय करने के लिए सोच सकते हो। जो भी आप ट्रेड लो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही ट्रेड कीजिएगा। ये मेरा एक जस्ट लर्निंग पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाया हुआ है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही कीजिएगा। और इस ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो आने वाले टाइम पे मैं शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं भी कल इस ट्रेड को डिप्लॉय करूँगा और देखूँगा कि इसको हम कैसे मैनेज आने वाले टाइम में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑप्शन क्लास यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या अदर कोई वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। सो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।